हाँ कर दिया और हम फौरन आपके पास आ गए। बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने हाँ कह दी तो रिश्ता पक्का कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे, कर लेंगे। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा। आपने विदेश में पढ़ाई की है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे 3 बच्चे हों। लेकिन मेरे सभी बच्चे मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ ना, बिल्कुल उसकी तरह दिखने चाहिए। गांव वालों को बुरा लगेगा, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। आपको कोई एतराज नहीं है ना? बेटा, राजा, ए मेरे लाल, मेरा सोना। अरे दे 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 दे, ऐसे भाग क्यों रहा है? मैं बताती हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेम साहब, आप शायद कुछ बात करना चाहती हैं, हम लोग निकलते हैं। इन दोनों के बीच क्या बात हुई पता नहीं। स्कूल में प्यार, कॉलेज में प्यार, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी प्यार, ये गलत नहीं है। और इनका बेटा जब विदेश में पढ़ने गया था, तब वहाँ एक लड़की के साथ संबंध बनाया। हे भगवान, वो लड़की मासूम है। अगर वो हमारी शादी में गोद में बच्चा लेकर आ गई तो दोनों परिवारों का अपमान हो जाएगा ना। मैंने जब ये पूछा तो वो नाराज होकर चले गए। मैंने कुछ गलत किया क्या पापा? तुम ऊपर जा बेटे। अब मुझे समझ में आया कि तेरा बेटा शादी के लिए क्यों हिचकिचा रहा था। अब ऐसे लफंगे बदमाश लड़के के लिए तू मेरी बेटी का हाथ मांग रहा था? चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा कमीने। मामा, आप मुझे कब से जानते हो? ये मेरी बहन ने तेरे को जन्म दिया और तूने चिल्लाया वाह वाह, तब से जानता हूँ। कहाँ से आ रहे हो? अरे मामा भांजे, कहाँ से आ रहे हो? 10:30 के बाद हम किसी से बात नहीं करते। क्यों? हम नशे में जो बोले तुम सच मान लेते हो। क्या हुआ? कुछ मजा नहीं किया, 5 लाख का कर्जदार बनकर आ गए हम लोग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहल्ले में लोग चैन से नहीं सो पाएंगे। हम लोग सोने नहीं दोगे क्या? सोने दो यार। अरे सो जाओ। हम लोगों को सोने नहीं देगा क्या? अरे सोने दो यार। मामा जो घमंड दिखा रहा है उसका दिखाना पड़ेगा मामा। योटर गाय जिंदगी सिंगा सिंगा सिंगा। हां जी, लगता है बहुत बड़ा मैजिक मैन है। 2 पैरों को फोल्ड करके 4 पैर बना दिया उसने। अच्छा, जरा मैं भी देखूं। हां देख मामा, उसमें से 2 गोरे और 2 काले पैर दिख रहे हैं। मर्द के पैर में पायल कहां से? तेरे पैर तो काले, गोरे वाले पैर कहां है बता? टेंशन हो रही मुझे बता। पैरों को छोड़ो, पायल कहां गई वो पूछो। पायल कहां है? दुबई के सेठ से हाथ पैर जोड़ के 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ अपनी बीबी के साथ। सोना कोई गुनाह है क्या? तुम्हारे मजाक की कोई सीमा ही नहीं है। तो अच्छा, तुम दोनों पति पत्नी हो गया? माफ करना दोस्त। अरे सुनती हो क्या? अरे वो लोग चले गए। हाँ चले गए। लड़की का पैर मुझे भी देखना है। माँ, क्या हुआ बेटा? एक तो पहले ही मेरे सर में 1000 काम पड़े हुए हैं और ऊपर से तुम इरिटेट कर रही हो। बात क्या है बेटा? अरे सुबह सुबह कहीं जाना मत, कुछ जरूरी काम है, घर पर रहना बोल कर चले गए। ऐसा क्या काम है माँ? ए पापा के बारे में ऐसा मत बोल, वो बहुत सीधे इंसान है। कोई जय सिंह नाम का आदमी है, पापा को बड़ा बनाने की बात कर रहा है। तेरे दादाजी की जायदाद बेच कर कर चुका रहे थे, आखिर मैंने बेवकूफ बना दिया। अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए 15 दिन से घर पर बैठे हुए हैं तेरे पापा। अरे माँ तुम बिना सुबह सुबह। कमलेश, मैं बिना पति के रह सकती हूँ, तू पापा के बिना रह सकता है क्या? मैं पापा के बिना रह लूंगा, आप पति के बिना नहीं रह सकती। रहने दे रहने दे, पापा का बरामदे में बैठना हमारे लिए गर्व की बात है, समझा करना बेटा। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? पापा पापा क्या हुआ बेटा? भगवान तो उधर है, दादाजी की फोटो इधर है, उधर किसकी प्रार्थना कर रहे हो? नहीं नहीं, जय सिंह का आशीर्वाद। जय सिंह मतलब घोड़ा। पापा तो इसका मतलब दादाजी की सारी जायदाद, घोड़े की रेस में लगाओगे आप? मतलब जय सिंह कोई आदमी नहीं है, घोड़ा है। माँ को पता चलेगा तो क्या होगा पता है ना? मर जाएगी। मैं अपनी बीवी के बिना रह सकता हूँ, तू अपनी माँ के बिना रह सकता है क्या? मैं अपनी माँ के बिना रह सकता हूँ, लेकिन आप अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकते। घर पर घोड़ा आया हुआ।
हुआ है? रश्मि मैं अभी आया। मैंने घोड़े को लाने के लिए कहा था। किसके लिए जी? जब शादी हुई थी तो मेरी उम्र कितनी थी? 23 साल थी जी। और तुम्हारी उम्र क्या थी? 17 साल। अभी हमारे बेटे की उम्र क्या है? 23 साल। तो शादी करवानी पड़ेगी ना? हाँ करनी तो पड़ेगी, पर लड़की कौन है? तू अभी भी नादान है। हनुमानगढ़ी में मेरे रिश्तेदार की बेटी है। चलो चलते हैं, बात पक्की कर लेते हैं। हाँ? हाँ? देखो है? जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है बेटा। हमारे पहचान की लड़की हमारे घर बहू बन के आ रही है। रामनाथ हाँ घोड़े के लिए पैसे कहाँ से? उसे मैंने रसोई से निकाल लिया। अरे अब खाना क्या सड़क से खरीद के खाएंगे? मत हारो, भगवान है। क्या खाएंगे? तुम रिश्ते की बात हो रही है। होने दो मामा, खुशी की तो बात है। चुपचाप चलो ना। बेटा घोड़े पे बैठ जाओ और कैलाश तुम उसकी मदद करोगे। और क्या, हम 12 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मालिक जब तक उसके घर में पहुंच जाए बैंड बाजा बंद ही होना चाहिए। चलो अरे एकदम आराम से मामा, मैं हूं ना। ए केशव जी साहब, मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, पता है, मैं भी साथ चलूँ क्या? वहाँ पर चिकन और मटन मिलेगा और तू यहाँ बासी खाना खा रहा है, चल साथ चल। क्या कहा? मटन तू भी आजा चलो जा। दरवाजे के बाहर कदम रखा तो मुंह तोड़ दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है 50 साल के हो गए तो डिवोर्स नहीं दे सकता? खाल उधड़ के रख दूंगा। बस 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 हो जाओ। जिया जी दरवाजा खुला मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे अमीरों का घर है, 10 लोग तो अकाउंट देख रहे होंगे। जोर से बजाने के लिए बोल। बजाओ बजाओ बजाओ। साहब मटन चिकन की खुशबू आ रही है। चुप हो जा भैया, लगता है वो लोग बाहर नहीं आएंगे, चलिए हम लोग ही अंदर चलते हैं। ऐसी बात क्यों करते हो भाई साहब, इन सब के लिए रिवाज है। कैसा रिवाज है मालिक? अरे ओ हरा कद्दू, ये बख्शीपुर का रामनाथ जब रिश्ते की बात करने आया है तो हनुमानगढ़ी वाला आरती लेकर मेरे सामने 3 बार घुमाएगा, मेरे पैर धोएगा। रे चाराना है क्या तेरे पास? हम उन्हें दक्षिणा देंगे, वो आगे जाएंगे और हम उनके पीछे जाएंगे। ऐसा करेंगे क्या? करेंगे क्यों नहीं, यही रिवाज है। रे चार पीढ़ियां बदल जाए ये नहीं बदल सकता। बाहर किसने बेकार की भीड़ लगा रखी है? सुनिए जी भाई साहब, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? रश्मि वो अपने रिश्तेदार है ना, खिंचाई कर रहे हैं हमारी। तुम लोग शराफत से जा रहे हो या मुंह पे गरम पानी डालो? हमारी सरासर बेइज्जती किए जा रहे हैं। आ गए। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? तमाशा करने के लिए कोई बैंड बाजा लेकर आता है क्या? जो भी है अंदर चल के बात। मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है जो सब गांव वालों को अंदर बिठाकर बात करूंगा। जो भी बात करनी है 4 लोग अंदर आओ और बात करके निकलो। ठीक है भाई साहब। जी जी मैं भी, मैं भी, एक कैलाश दो, मैं 3 और माचा। पापा मेरे लिए कुछ है बोलकर आप यहां पर आए हो? तुझे क्या बोलकर आया हूँ? और क्या, तेरे लिए ही तो लड़की देखने आया हूँ। तो मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भाई साहब ने तो 4 को ही आने के लिए बोला। भाई साहब 5 लोग आ रहे हैं। ससुर जी ने हां नहीं बोला। कुछ नहीं बोलेंगे। भैया बाहर गरम चाय भिजवा देना। अभी चाय पी लेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? क्या बात है बोलो। हमारा इकलौता बेटा है, बड़ा हो गया है। और आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है। नहीं, कल मालिक की बेटी गोली खेल रही थी। जी हाँ मालिक, मालिक आप लोगों को कुछ बात करनी है, हम निकलते हैं मालिक। तो दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी तो दोनों परिवार खुश हो जाएंगे। भाई साहब तो परेशान हो गए, एक ही बेटी है ना। भाई साहब बच्ची को यही रहने दो, मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ लेके आ जाता हूँ, मैं घर समझी बन जाऊंगा। आप तो खुश है ना? खड़े हो जाओ। कहाँ ना खड़े हो? क्या हुआ भाई साहब? घर की हर एक चीज बेच कर खा चुके हो, अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तेरा बेटा गांव भर में आवारा गर्दी करता है। मैंने अपनी इकलौती बेटी को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया और आज वो 25,000 की नौकरी करती है, ये जानने के बाद भी तू ये रिश्ता जोड़ेगा? मुझे पता है तू यही सोच रहा है ना कि ये रिश्ता करने से तुझे साल में 3 लाख रुपए मिल जाएंगे।
अभी गांव के लोग तुझे बहुत शरीफ समझते हैं ना, उनके सामने शरीफ बने रहना है भाई साहब, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना अच्छा नहीं होगा। भाई साहब बड़ी बातें मत कीजिए, चलो सब लोग आता हूँ। भाई साहब बेटा उनकी बेटी की शादी करने की औकात नहीं है ये कह रहे हैं। मेरी औकात नहीं है क्या? वो ऐसा कह रहे हैं, शांति से घर में बैठा था यहाँ आकर बेइज्जत करवा दिया। इसमें बेइज्जती क्या है, जिंदगी में ऊंच नीच होता है। चल मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता। क्या करने वाला है? औकात देखकर लड़की दोगे क्या? अभी बोलता हूँ, कान खोल कर सुनो। आज से लेकर छठे महीने 60 दिन में। हाँ जी गलत है। हाँ ठीक है, क्या होगा? मेरे घर के सामने घुटने टेक कर कमलेश मेरी बेटी से शादी कर लो, कमलेश मेरी बेटी से शादी कर लो, ऐसा गिड़गिड़ा रहा है। पापा पैर उठाइए, उठाइए। क्या करने वाला है तू? अगले 3 महीने में 300 दिन में शुरू कर दी। अरे तुम चुप रहो यार, अगर मैं बिजनेसमैन नहीं बनाना पापा, मामा, मैं नहीं पाऊंगा, तो फिर मेरा नाम कमलेश निकाल कर कुछ और रख देना, कुछ और नाम रख देना मेरा। अरे चल निकल पागल, जाने वाले हैं।